सरकारी स्कूल में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। बच्चे देश के भविष्य होते हैं, लेकिन जब सरकारी स्कूल की पढ़ाई रूम में बच्चों को सिर कटी लाश मिल जाए तो पूरे स्कूल के बच्चे दहशत में आ जाते हैं। एक ऐसा ही मामला आया उत्तर प्रदेश बिजनौर के चांदपुर का। पतियापाड़ा सरकारी स्कूल में कमरा नंबर 2 में जब बच्चे पढ़ाई के लिए पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि कमरे में एक आसिफ नाम के शख्स की गर्दन कटी लाश पड़ी थी। बच्चों में दहशत का माहौल बन गया। आनन फानन में स्कूल के बच्चों की छुट्टी करा दी गई। मौजा कटार बल अंतर्गत थाना चांदपुर में एक व्यक्ति का शव मिला हुआ है, जिसके गले में ब्लेड के निशान है, उसके हाथ के पास ब्लेड भी मिला हुआ है। युवक जो है वो नशे का आदि था। इसमें पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम कराया जाने की कार्रवाई की जा रही है। जो भी साक्ष्य मिलेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हत्या किस चीज़ से की गई कुछ पता चल पाया? इस शव के पास ब्लेड के निशान है उसके गले पे और शव के पास ब्लेड पड़ा हुआ है। सर, इसकी शनाख्त हो गई है, कौन है? इसकी शनाख्त हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक आसिफ स्कूल के पड़ोस में ही रहता था और नशे का आदि भी था, लेकिन उसकी बेरहमी से किसने हत्या की ये एक जांच का विषय है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता उत्तर प्रदेश बिजनौर से राजू फहीम की रिपोर्ट। चैरिटेबल सोसाइटी 329 गली नंबर 9 मंडोली एक्सटेंशन नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने दिल्ली 93 में। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205 9211478312 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।